नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों, आप लोग के लिए एक और बड़ी खबर आ चुकी है। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम की रिवाइज रिजल्ट आना था वो आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोग के सारे डाउट क्लियर कर दिए रेलवे ने। कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, क्या आपके रॉ मार्क्स हैं, क्या आपको टोटल मार्क्स मिले हैं, क्या आपको नॉर्मलाइज मार्क्स मिले हैं, क्या आपके टोटल मार्क्स मिले, हर एक चीज़ आपको रेलवे ने क्लियर कर दी है। बट लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके मार्क्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, ना ही कट ऑफ में कोई चेंजमेंट हुआ है। रिवाइज रिजल्ट देख सकते हैं आप लोग, ओनली स्कोर कार्ड दिख रहा है। जो पहले स्कोर कार्ड हिडन था, अब वो चीज़ पूरी खुल के दिख के आ रही है। तो आप हम लोग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर। तो आप लोग उसके लिए कुछ नहीं करना, केवल सिंपली जो स्टेप बताऊँ वो फॉलो करने हैं। तो आइए चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आप लोग से एक बार दरखास्त करना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बेल आइकन बटन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ या प्रेस अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले सबसे फास्ट पहुँचें। और दोस्तों, वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं रेलवे की साइट पे, जो होगी भोपाल की साइट मैंने खोली। आप लोग किसी भी जोन से, जो आपके 21 जोन्स हैं उसमें किसी भी जोन की वेबसाइट जा सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट खुल के आएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको नीचे जाना है, इसमें जो लेटेस्ट न्यूज़ है क्लिक कर यहाँ करेंगे आप लोग। देन आपके पास एक पेज खुल के आएगा, इसमें लिख जो आपका प्रीवियसली आपका रिजल्ट आया था ना, उसकी जो आपकी डेट थी, ये जो आ रहा है ना क्लिक हेयर फॉर नोटिस फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, इसके सबसे नीचे वाला करना है क्लिक हेयर टू कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पर आप लोग को क्लिक करना है, ये खुल के आ जाएगा पेज। आपके पास ऐसा कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है अपना, देना आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद जो आपका इस रिजल्ट खुल के आएगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ बच्चों को रिजल्ट मेरे पास आया है, तो आइए चलते हैं रिजल्ट देखते हैं आपको। ये देखिए, इन बच्चे का रिजल्ट आया है मेरे पास। देखिए, मैं नाम के लिए उनका नाम और नाम छुपा दिया मैंने इसीलिए। लेकिन उनका जो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन है 79 है, करेक्ट आंसर कितने 63 है, रॉन्ग कितने 16 है, और उनके टोटल कितने 57.7, और कितने नंबर मिलेंगे, एक नंबर मिला है प्रोडेटेड 100 में से, और उनके नॉर्मलाइज नंबर कितने मिलेंगे, 4 नंबर मात्र मिले। वहीं देखिए दूसरे कैंडिडेट की बात करें अगर हम लोग, तो ये कि मेरे पास आंसर किया ये थ्रू व्हाट्सएप ये। तो देखिए दोस्तों, एक और मेरे पास आंसर किया ये, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको इस बात कितने क्वेश्चन किए हैं। इनके टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन 98 है, करेक्ट इनके 65 एंड टोटल रॉन्ग क्वेश्चन 33 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इन्होंने इग्नोर किया है वो एक है, तो टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने हैं 99 हो गए आपके। देन इनके देखिए आप कितना बड़ा बदलाव किया रेलवे ने इसके मार्क्स में। देखिए आपके इनके रेलवे के मार्क्स 54 नंबर है, जस्ट ओनली 54 मार्क्स। इससे पहले जो मैंने दिखाया था आपको उसके 57 नंबर थे, और उसको जो एक केवल 4 नंबर मिले, यानी 62 हो पाए टोटल। उसके बाद प्रोरेटेड मार्क्स 54.544 हो गए। देन नॉर्मलाइज मार्क्स देखिए, इनके 88 मार्क्स दिए हैं, तो बहुत बड़ा बड़ी बात है। इनको 33 नंबर का मिला है नॉर्मलाइजेशन नंबर। 33 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं सेलेक्शन के लिए, बिकॉज पेपर इतना तो टफ नहीं आता कि 33 नंबर आपने किसी को दे दिए, मुफ्त में दे दिए, वो भी समझ लीजिए। और इस बच्चे के आगे 88 नंबर उनका फिजिकल मेरिट सिलेक्शन हो गया, जबकि वहीं 57 मार्क्स लाने वाला बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बहुत नाइंसाफी रेलवे की, रेलवे की इसी को चेक करना चाहिए कि आखिर जो नॉर्मलाइजेशन नंबर दिया वो किस हिसाब से दिया गया है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और बच्चे के पास है, उसने 94 क्वेश्चन किए हैं, 64 अटेम्प्टेड है उसका, करेक्ट क्वेश्चन 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 96 का वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। और भी मेरे पास एक दो, ये देखिए दोस्तों, जो इस बच्चे का सिलेक्शन है, इसने टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने किए हैं 56 क्वेश्चन किए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए 10, टोटल क्वेश्चन इग्नोर कितने 3, और 97 कितने हैं वैलिड क्वेश्चन है। तो अगर आप नीचे आएंगे तो उसके जो रॉ मार्क्स आ रहे हैं इस बच्चे के, रॉ मार्क्स अगर आप देखें तो 52 नंबर, जस्ट 52 मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स, और प्रोरेटेड 100 में से कितने हैं 54.29 मार्क्स। लेकिन अगर आप इसके नॉर्मलाइजेशन नंबर पे देखेंगे तो 78 नंबर, यानी कि इसको लगभग लगभग 24 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। जी हाँ दोस्तों, 24 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं है, उसका सिलेक्शन हो गया है। तो मेरे जो दोस्त भाई लोग जिनके 60 नंबर हैं, 62 नंबर हैं, 65 नंबर, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिनके 50 नंबर, 52 नंबर, 58 नंबर, 56 नंबर, उनका सिलेक्शन हो गया। क्यों? नॉर्मलाइजेशन में उनको मार्क्स बहुत अच्छे मिल गए और वो लोग इजीली कट ऑफ को पार कर गए हैं। तो यही था आज की वीडियो बताने के लिए आप लोग को। ये देखिए, यही सिलेक्शन हो गया इनका, ये हो चुका है सिलेक्शन। तो यही था आज की वीडियो बताने के लिए मेरे पास। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई दिया कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको भोपाल की साइट पर जाना है,
ये भोपाल की आपकी साइट, अगर आप लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए भोपाल का रेलवे स्टेशन है यहाँ, सॉरी भोपाल का आपका ऑफिशियल पेज है। आप लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ जो लिंक आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे फाइनल आंसर की पे, उसके बाद आपके पास एक पेज खुल गया आएगा लॉग इन कैंडिडेट लॉग इन, वहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद एंटर लॉग इन करेंगे तो उसके बाद सारी डिटेल खुल के आ जाएगी आपके पास। जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर कर दिए रेलवे, अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं छुपा सकता रेलवे अब आपसे, हर चीज़ एकदम स्पष्ट है, एकदम पारदर्शिता के साथ क्लियर क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अब आप रेलवे से कोई भी बात के लिए गड़बड़ी नहीं कह सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।